करता था कि भाई मैं 5,000 लूंगा, 2,000 लूंगा, आपका मतलब चैनल सही हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आपके चैनल पे एक छोटी सी गलती आपके चैनल पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एक भाई के साथ ऐसा ही हुआ है। तो सबसे पहले आपको इन भाई से मिलाता हूँ, आप इनकी बातों को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इन भाई के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे सॉल्व हुआ इनके प्रॉब्लम, इन सभी के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। तो ठीक है मेरे दोस्त, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आज हम बताएंगे अपने चैनल के बारे में। तो मेरे चैनल डीमोनेटाइज हो गया था और मैं बहुत दुख में रहता था कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया था। मैं बहुत यूट्यूब चैनल वालों के पास फ़ोन किया, मैसेज किया, इंस्टा पे मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं देता था। जो कोई रिप्लाई देता भी था तो कोई डिमांड करता था कि भाई मैं 5,000 लूँगा, 2,000 लूँगा, आपका मतलब चैनल सही हो जाएगा। तो मेरे पास प्रेजेंट टाइम में पैसा नहीं था, तो मैं रोहित राज मोटिवेशनल भैया जी से मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उनका यूट्यूब चैनल है रोहित राज मोटिवेशनल। तो मैं गया इंस्टाग्राम पे, उनको फॉलो किया और उनको मैसेज किया कि मेरा यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है, मेरा दूसरा स्टेप इरोर हो गया है। तो भाई जी मुझे इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दिए, तो मैं उनसे नंबर मांगा कि भाई जी आप अपना नंबर दीजिए। वो मुझे अपना नंबर भी दिए और मेरा हेल्प भी किए, और उनके चैनल से मेरा चैनल बचा हुआ है। मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था, बिल्कुल मेरा चैनल ऑफ हो गया था, मोनेटाइजेशन मेरा ऑफ हो गया था। तो भाई से मैं फ़ोन किया और उनसे मैं कहा कि मेरा यही प्रॉब्लम है, तो मुझे वो मेरे चैनल को सही किए और मेरा चैनल मोनेटाइजेशन और मेरे चैनल को बचाए और मेरा इतना सा मेरे इतने महीने का मेहनत बचाए। हम उनको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, रोहित राज मोटिवेशनल। प्लीज़ भाई लोग जाएँ, उनको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो डालते हैं। प्लीज़ भाई लोग, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, प्लीज़ जाएं वहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो देखें और उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई लोग धन्यवाद, और रोहित सर को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं कि वो मेरे लिए इतना सब किए और मेरा चैनल बचाएं। थैंक्स रोहित सर जी, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब इनका प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था तो उस आईडी से एडिसन्स अकाउंट बना दिया था जिसमें 18 साल से कम उम्र थी, और ना ही इनके पास वोटर आईडी था, ना ही उस आईडी के नाम से पैन कार्ड था, ना ही कुछ भी था। अब यूट्यूब ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मांगा, जब इनके पास कुछ था ही नहीं तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब ने क्या किया, इनके चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया, स्टेप टू को एरर बता के। अब इन्होंने काफ़ी लोगों के पास मैसेज किया होगा, जो भी किया है। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे पास इंस्टा पे मैसेज किया। अब मेरे पास इंस्टा पे मैसेज कितना ज़्यादा थे, जिस वजह से मैं इनके मैसेज को 2 या 3 दिन बाद देख पाया। फिर मैं तुरंत इनको नंबर दिया, फिर इनसे बात किया। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जब आप किसी एडसेंस अकाउंट से अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेते हो, ऐड करा लेते हो, अब उसे एडसेंस अकाउंट को चेंज करने में थोड़ा रिस्की काम होता है। फिर भी मैं कहा यार कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। फिर इनके एडसेंस अकाउंट को इनके मम्मी के नाम से बनाया, फिर उसे यूट्यूब में ऐड किया, उसके बाद इनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है कि कैसे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूंगा, स्टोकन शॉर्ट, जिसमें मैं टिप और ट्रिक्स वीडियो लाता हूँ, मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। अगर भविष्य में आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा यार, मैं सभी से कहना चाहूँगा, मुझे फालतू का मैसेज मत करिएगा इंस्टाग्राम पे, क्योंकि देखिए फालतू का मैसेज होता है, जिस वजह से मैं उस बंदे के पास लेट से पहुँचता हूँ जिसे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आप फालतू का मैसेज करते हो उसमें आप ही लोगों का घाटा होता है। फालतू का मैसेज मतलब कि कोई पैसे देके मुझसे प्रमोशन चाहता है, कोई ये चाहता है, वो चाहता है, तो मैं इन सब में से दूर रहता हूँ। अगर आप मुझे पैसे देकर कोई काम कराना चाहते हो, प्रमोशन कराना चाहते हो, कुछ भी कराना चाहते हो, तो भाई कृपया करके मेरे पास मैसेज मत किया कीजिए। मैं पैसे से लेता भी नहीं हूँ किसी से, और ना ही लूँगा कभी। हाँ, तो मेरे ये सब चक्कर में आप मत पड़िएगा, मेरा टाइम मत खराब कीजिएगा, अपना भी टाइम मत खराब कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी और काम रहते हैं। तो ठीक है भाई, कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे इंस्टा मैसेज कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।